हेलो भाभी जी। हाँ जी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते, ठीक हूँ। अच्छा भाभी जी, आपके पास अगर 2 मिनट हो, एक तो आप मेरे को जानती नहीं हूँ, मैं आपके हस्बैंड का कलीग हूँ, मैं साथ में ही काम करता हूँ, कुछ बात करनी थी उसके बारे में थोड़ी सी। हाँ जी दसो। मैं ना, एक तो आप मेरा नाम मत लेना, मैं मतलब कई दिन से सोच रहा था कि आपसे बात करूं। ये ना, ये अजीब हरकतें करता है, मतलब ऐसे आप समझ लो 6 बजे छुट्टी हो जाती है तो मैं कहता हूँ घर जा, कहता नहीं यार घर पे मतलब मज़ा नहीं आता मेरे को, यहीं बैठा रहने दे। क्यों, की काम आते हैं? वही मेरे को समझ में नहीं आता, मैं कहता हूँ कि भाई काम नहीं है तो चला जा। उन्हें पता नहीं घर से कितना काम आते हैं? नहीं वही मैं समझाता हूँ, और अभी तो हद ही हो गई। मैं कह रहा था कि तू खुद क्यों प्लान बनाता है भाई, चलो सारे ऑफिस वाले चलते हैं हिल स्टेशन 5 दिन के लिए घर से दूर, मतलब घर भी तो देखना। नहीं 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 हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो कहा यार, बल्कि अभी बीच में भाभी जी बात हो रही थी, मैंने कहा एक काम करते हैं फैमिली गेट टुगेदर रखते हैं। कह रहा यार फैमिली वैमिली छोड़ो, अपने अपने मिलते हैं, फैमिली में फिर ना फिर थोड़ी टेंशन होती है। तो भाभी जी, भाभी जी बस आप ना ये मत बोलना कि मैंने फोन किया, फिर ये ना मेरे को बातें नहीं बताएगा। नहीं मैं की फोन करा, मैं ते खुद ही फोन करने वाली थी, मैं तेनों पूछ दी पई सी कि की गल है, नहीं 6-6 बजे आंदा कारण ने काम होंदे ने, बच्चियां नु किथे नहीं लेके जांदा, सानू नहीं किथे लेके जांदा। मैंने यही बोला, मैंने कहा यार एक बात सुन, मतलब ऑफिस का काम ठीक है ऑफिस का है, फैमिली की भी तो रिस्पांसिबिलिटी होती है ना। फैमिली, फैमिली दा तेनों पता ही नहीं है, फैमिली कोई है भी नहीं है। ऐसा जब तक ब्याह होया बच्चे बच्चे नहीं तो मैं तो उसको बोला है, मैंने कहा तू तू एक काम करना, तू तू घर जाके सारी बातें बता दिया कर ऑफिस की। ऐसे मैंने कुछ नहीं कर दा। नहीं ये ना ये थोड़ा अजीब लग रहा है, मैंने इसलिए सोचा आपसे बात कर लूं एक बार। नहीं वो तो गल सही की थी कि तुसी फोन कर लेता, लेकिन ऐसे मैंने कोई गल नहीं दसदा। मैं जेड़ी मैं पूछा ते ओ कलेश पेंदे ने घर च, मैं हुन किन्नु कहां? अभी तो सैलरी बढ़ गई शुक्र है ऊपर वाले की, लास्ट मंथ ना सैलरी बढ़ गई। हां जी नहीं बताया ना, एने ते मैंने कुछ नहीं दसिया, मैं ते कभी पूछदी भी नहीं ते ना एने मैंने कभी दसिया, उल्टा है मैंने खर्ची को अंदर रहंदा है। इसका तो अप्रेजल बड़ा अच्छा हुआ है, इसका तो इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा हुआ है। नहीं एने मैंने कुछ नहीं दसिया, बल्कि वो साड़ी गुनगुन दी वो छुट्टियां पे रही थी, मैंने क्या सी स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करा दिया, कहना पे कि एने फालतू खर्च करने की कोई लोड़ नहीं है। भाभी जी एक बात बताऊं, कुछ तो हो गया योगेश को यार। योगेश? हाँ मैं कह रहा हूँ कुछ तो हो गया योगेश को, पहले ऐसा नहीं था, ये पहले ठीक था। योगेश कौन है? आपका हस्बैंड, मैं उसके कलीग बोल रहा हूँ ना। ओ पाजी ऐसे कोई योगेश योगेश नहीं रहता। ओ सॉरी सॉरी भाभी जी, मैंने शायद गलत नंबर मिला दिया है आपको। नहीं बेशक तुसी गलत नंबर मिलाया, पर गल्ला बिल्कुल सारिया ठीक कीतिया ने, साडे घर एहो ही माहौल है। मैं रखदा।